हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन टू आवर न्यू वीडियो। तो गाइज, यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ना नया ईवो वॉल्ट आ चुका है, जहाँ पर एक गन तो मेरे पास पहले से और अभी 4300 डायमंड भी है। तो मैं सारे के सारे गन निकाल करके आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। और गाइज, अभी बच रहे हैं सुबह के 4। जैसा कि आप लोगों को पिछले वाले ईवो वॉल्ट के बारे में मालूम होगा, तो गाइज मेरे को वहाँ पर थॉम्सन तीन तीन बार फंस चुका था। और गाइज, अगर आप लोग ईवो वॉल्ट में स्पिन करने जा रहे हो तो पहले ये वाला ट्रिक जरूर से करना, जहाँ पे मैं डायमंड टॉपअप वाले इवेंट पे जाता हूँ, वहाँ पर जाकर के बार बार क्लिक करता। अब इससे क्या होता है गाइज, आपका लक थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। तो गाइज, यहाँ पर मैंने ये ट्राई कर लिया है, वापस से एक बार और कर लेते हैं। और गाइज, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास 4300 डायमंड है। तो पहले हम लोग 20-20 का स्पिन करेंगे, उसके बाद गाइज हम लोग लगातार स्पिन करेंगे। और गाइज, मेरे को M10 चाहिए। अगर वो जल्दी निकल जाता है तो मैं स्पिन छोड़ दूंगा, लेकिन अगर नहीं निकलता है तो फिर तो मेरे को पूरे के पूरे डायमंड यहाँ पर उड़ाना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। अगर ये वीडियो लंबी है तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इसमें सबसे लास्ट में मेरे को M10 मिलता है। तो हम लोग यहाँ पर स्पिन करते हैं, और यहाँ पर एक स्पिन किया है, और देखो गाइज यहाँ पर कुछ नहीं मिला, एक डब्बा। ठीक है, बैक करते हैं और अगेन हम लोग यहाँ पर स्पिन करेंगे। इसको हटाते हैं यहाँ से और वापस से स्पिन करते हैं, देखते हैं कि क्या मिलता है। और इस वाले स्पिन में क्या मिलेगा, क्या मिलेगा गाइज, देखते हैं। तो बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर 20 डायमंड में एक हमें डायमंड रॉयल वाउचर मिला है, बहुत सही। बॉनफायर मिला है 20 डायमंड में। चलो गाइज, अब शुरू करते हैं 200 डायमंड वाला स्पिन। अब देखो गाइज, 200 डायमंड वाला स्पिन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि 200 डायमंड समझ रहे हो ना, बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पे मैं 200 डायमंड का पहला स्पिन तो कर चुका हूँ। देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा गन फंसता है। पिछले बार तो भाई मेरे 3800 डायमंड लग चुके थे, और 3800 डायमंड में मेरे कितने गन निकले थे भाई, तीन ही गन निकले थे। ठीक है, M187 थॉम्सन और AK। अब देखते हैं गाइज यहाँ पर इस बार कितना डायमंड लग रहा है इधर, क्योंकि गाइज यहाँ पर देखते जाओ, आप लोग अपने हिसाब से जोड़ लेना कि कितने डायमंड में मेरे तीन गन निकले। ठीक है, और थॉम्सन तो मेरे को एक पिछले बार तीन बार निकल चुका था भाई, टोटल चार बार निकल चुका था। तो उसी की वजह से मेरा थॉम्सन में एक भी डायमंड नहीं लगा उसको लेवल 4 करने के लिए। और गाइज देखो, जो भी गन निकाल रहे हो ना, तो मैक्स बिल्कुल मत करो, लेवल 4 बहुत होता है भाई। कोई सा भी गन है ना तुम्हारे पास, ईवो को मैक्स मत करो, 4 कर लो। और अगर ज़्यादा खुजली मच रही है ना, तो उसको लेवल 3, लेवल 5, लेवल 6 कर लो, या 7 कर लो एक गन को। ठीक है, सारे गन को ऐसा मतलब कुछ करने का जरूरत है। मैं तो इसमें स्पिन कर रहा क्योंकि मेरे को यूट्यूब से पैसा आ रहा है, तुमको नहीं आ रहा है तो मत करो ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पर देखो हमने स्पिन किया है, और गाइज लिटरली बहुत सारा स्पिन कर दिया। अभी तक खाली फार्मास मिला है जिसको मैंने डाउनलोड तक नहीं किया। अभी फार्मास तो मिल चुका है गाइज, और मेरे यहाँ पर कितने डायमंड वेस्ट हुए हैं देखो, 30-40, हाँ 900 डायमंड में मेरे को फार्मास मिल चुका है। अभी नेक्स्ट हम लोग स्पिन कर रहे हैं। और गाइज, ऐसी वीडियोज़ अगर आपको देखना है तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं गेम प्ले वीडियो भी जरूर से दिखाऊंगा। और भाई मैं तो कहूंगा कि जल्दी निकल जाए भाई, ये क्या दे रहा है यार, क्या है भाई ये, क्या स्टोर भाई, क्या ये 200 डायमंड का ये मिलता है क्या। चलो नेक्स्ट हम लोग स्पिन करते, देखते क्या मिलता है। और भाई स्टोर भाई, ये बॉनफायर इस बार तो पूरा आग दिया भाई, कम से कम डब्बा तो दो यार, डब्बा भी नहीं दे रहे ये लोग यार, गुखा लो भाई। ये बॉनफायर क्या दे रहे हैं भाई, गु भाई गोल्ड रॉयल भाई साहब, ये इतना हगा हुआ दे रहे हैं ये लोग, क्या बताऊँ मैं भाई। लेकिन यार सच बताऊँ तो तीन गन मिल रहा है आपको, ठीक ठाक ही है उतना, लेकिन ठीक नहीं है भाई एक हिसाब से देखा जाए तो। आप लोग ज़्यादा स्पिन मत करना, 2000 डायमंड है तो 2000 स्पिन, 1000 डायमंड का 1000 डायमंड रहे तभी स्पिन करना। बहुत सारे लोग मेरे से ये कमेंट में पूछते हैं कि भाई मेरे पास इतना डायमंड है, कैसे कैसे स्पिन करूँ। तो भाई 1000 डायमंड होना तभी स्पिन करना, तब चांस रहेगा कि भाई मिल जाएगा भाई। तब फिर अगर आपके पास कम डायमंड है, फिर अगर आप स्पिन करना चाहते हो तो वो आपके लक पर डिपेंड है। अगर आपका स्पिन में नहीं निकला तो आपका लॉस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने स्पिन कर दिया है, और इस बार गाइज यहाँ पर वुड पिकर मिल चुका है गाइज, अपना वुड पिकर। मेरे को मालूम था ना गाइज, यहाँ पर सबसे लास्ट में अगर हम लोगों को कोई सा गन मिलने वाला है तो वो हमारा M10 ही होने वाला है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी स्पिन करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। यहाँ पर हमने स्पिन कर दिया है वापस से, और अगेन देखते हैं कि हमें कौन सा मिलता है। इस बार बक्सा मिला है, एक बक्सा तो मिल चुका है, और देखते हैं वुड पिकर का एक बक्सा मिला है। फिर से स्पिन किया है, यहाँ पर देखते हैं कि क्या मिलता है। गूँ भाई गूँ ही देंगे ना, उनको आता ही क्या है, खाली डायमंड खाना है इनकी माँ का। अभी देखो भाई कितना है, 2200 डायमंड है मेरा। ठीक है, स्पिन पे स्पिन करे जा रहा भाई, लेकिन यहाँ पर M10 नहीं दिया मेरे को, जो चाहिए वही नहीं दे रहे, M10 नहीं दे रहे। और टोटल गाइज अभी मेरे पास 11 ईवो गन के स्किन हो चुके हैं। नेक्स्ट वाला ईवो वॉल्ट में भी मैं स्पिन करूंगा, अगर आपको उसका वीडियो चाहिए होगा तो बता देना भाई। बाय द वे, अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, पाप लगेगा भाई, पाप लगेगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो, पाप लगेगा भाई बता रहा हूँ। इतना डायमंड स्पिन कर रहा भाई, मेरे यूट्यूब को पैसे जा रहे, जितना आ रहा है वो सारा का सारा जा रहा है यार, तुम लोग थोड़ा सब्सक्राइब करो यार। अब यहाँ पर देखो गाइज, यहाँ पर मैंने
स्पिन कर दिया यहाँ पर। अभी गाइज 2000 डायमंड और है, हम लोग स्पिन करते हैं, देखते हैं क्या निकलता है, क्योंकि मेरे को लगता है ना 1600 डायमंड के मतलब मेरे बच जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग अगेन स्पिन कर चुके हैं यहाँ पर और देखते हैं क्या मिलता है। इस बार तो कुछ नहीं दिया भाई, गूँ भाई, ये गूँ पूरा हक दिया है भाई, छेड़ दिया भाई पूरा। नेक्स्ट गाइज, इस बार गाइज फाइनली मिलने वाला है मेरे को यहाँ पर M1014 का स्पिन, क्योंकि मैंने पहले ही ये सब रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, तो मेरे को सब मालूम है क्या मिलने वाला है। अब गाइज यहाँ पर M1014 मिल गया है, तो गाइज इस बार सस्ता पड़ा है मेरे को, कसम से बताऊँ तो सस्ते में निकल गया सब कुछ। 3 गन था, ठीक ठाक ही है कहा जाए तो। अब चलो नेक्स्ट, यहाँ पर हम लोग इसको अपग्रेड करके भी आप लोगों को दिखा देते हैं, क्योंकि कुछ बक्से भी हम लोगों को मिल चुके हैं गाइज। ठीक है, बक्सा भी मिल चुका है, तो हम लोग उसको खोलेंगे और आपको दिखाते हैं, और दिखाते हैं पहले कि कौन कौन सा गन अपना हाथ में आ चुका है। यहाँ पर देखो अपना M1014 जो कि लेवल 1 का ही है, अभी अपग्रेड करेंगे बाद में। पहले यहाँ पर अपना बॉक्स जो जितना 5 बॉक्स इधर दिख रहे हैं, ये रहा अपना कौन सा बॉक्स है, वुड पिकर का 7 बॉक्स खोला, जिसमें से 31 टोकन मिले। ठीक है, ये भी ठीक है, 22 टोकन मिले M10 के, और ये खोला तो इसके अंदर फार्मास के 6 टोकन मिले भाई, बहुत कम मिला रे। चलो ठीक ही है, 23 टोकन मिला है फार्मास का। चलो अब गाइज यहाँ पर अपग्रेड करके भी आपको दिखा देते हैं। अगर आपने गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना। ये रहा गाइज अपना M1014, जिसको कि हम लोग अपग्रेड करेंगे, अभी आपको लेवल 2 करके हम लोग दिखा देते हैं। ठीक है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर से करना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने M10 को लेवल 5 भी नहीं किया अभी तक, पता है तुमको, ग्रीन वाला जो मेरा M10 है, सब लेवल 4 है। देखो गाइज, कोई सा भी गन लेवल 5 का तक देखने नहीं मिलेगा तुमको। ठीक है गाइज, देखा जाए तो लेवल 4 में ही एट्रीब्यूट मिल जाता है, तो लेवल 5-6 करने का क्या ही मतलब है। और गाइज आगे जितने भी वीडियोस आएंगे ना, वो सारे वीडियोस देखने के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब करना, और इवेंट से रिलेटेड स्पिन वाले वीडियोस में डालता रहता, तो आप लोग ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना। और मेंबरशिप का ऑप्शन आपको दिख रहा है, अगर आपको चाहिए तो ले लेना, क्योंकि मैं संडे को ना मेंबर ओनली स्ट्रीम करूँगा, कल भी स्ट्रीम हो सकता है, यानी कि आज जब आप वीडियो देखोगे तो आज भी स्ट्रीम हो सकता है। आप लोग आना ज़रूर से स्ट्रीम पर, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय। और भाई देखो यार, यहाँ पर वुड पिकर का ना मेरे को किल एनिमेशन भी बहुत मस्त लगा है। ठीक है, ठीक ही है गन स्किन सारे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।